आज मैं आपको बताऊंगी इमली से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, इमली तो हम सभी लोगों ने खाई होगी। किसी भी तरह के चाट बिना इमली के अधूरे होते हैं। इवन दक्षिण भारत में तो दालें भी बिना इमली के नहीं बनती। पर हम में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें इमली के औषधीय गुणों के बारे में भी पता होगा। कच्ची इमली हरी और पकने के बाद लाल या कत्थई कलर की हो जाती है। पक्की इमली एसिडिटी कम करने वाली, कब्ज दूर करने वाली, गर्म तासीर वाली, कफ तथा वायुनाशक प्रकृति की होती है। सूखी इमली हृदय के लिए हितकारी और हल्की तासीर वाली होती है। इससे आपकी थकान और भ्रमग्लानी दूर होती है। इमली पित्तनाशक होती है और ये ठंडी होती है, इसलिए इसको कम मात्रा में ही सेवन करने से लाभ होता है। अगर इमली एक साल पुरानी है तो इसके गुण ज्यादा होते हैं, और अगर इमली कच्ची या नई है तो इसके गुण कम होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ खट्टी और चटाकेदार इमली के औषधीय गुण। वीर्य पुष्टिकर योग। इमली के बीज को दूध में उबाल लें और फिर उसका छिलका निकाल कर उसे पीस लें। फिर उसको पिसी हुई गिरी के साथ घी में भून लें। फिर उसको समान मात्रा में मिश्री के साथ मिलाकर रख लें। इसको सुबह शाम 5-5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से वीर्य पुष्ट होता है। शराब या भांग का नशा उतारने के लिए पकी हुई इमली को भिगोकर उसको मसल कर छान लें, उसमें गुड़ मिला लें और गुड़ मिलाकर उसे पिला दें। लू लगने पर पकी हुई इमली के गूदे को हाथों और पैरों के तलवों पर लगाएं। इससे लू का प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो जाता है। यदि इस गूदे का गाढ़ा घोल बनाकर सर पर लगाएंगे तो लू के कारण आई बेहोशी खत्म हो जाएगी। सीने की जलन को दूर करने के लिए पकी हुई इमली के घोल में मिश्री मिलाकर पिलाना चाहिए। गले में सूजन होने की स्थिति में 1 लीटर पानी में 10 ग्राम इमली मिलाकर इसे आधे होने तक बॉईल करें। फिर इस बॉईल पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर उस रोगी को गरारे करने के लिए दें। इस गरारे से गले की सूजन में काफी हद तक राहत मिलती है। यदि आप टीबी या क्षय रोग की खांसी से पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में इमली के बीजों को तवे पर भून लें और फिर छिलका उतार कर इसे पीस लें। इस पिसे हुए 3 ग्राम चूर्ण में शहद या घी मिला लें। इसको दिन में 3 या 4 बार रोगी को दें। इससे काफी हद तक खांसी में आराम मिलता है और साथ ही साथ कफ निकलने में भी आसानी होती है। चर्म रोग में लगभग 30 ग्राम इमली 1 ग्लास पानी में मथ लें और इसका सेवन करें। इसके सेवन से घाव फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। उल्टी आने पर अगर आप पकी हुई इमली का पानी पिलाएं तो उल्टियां आना बंद हो जाती हैं। खूनी बवासीर में इमली के पत्तों का रस निकाल कर पिलाने से खूनी बवासीर ठीक होता है। शीघ्र पतन में लगभग 500 ग्राम इमली को 4 दिनों तक भिगो कर रख दें। इसके बाद इसके बीज को निकाल कर छांव में सुखा लें और पीस लें। इस पिसे हुए चूर्ण में मिश्री का चूर्ण लगभग 500 ग्राम मिला लें। इसके बाद इसका रोजाना 1-1 चम्मच 50 दिनों तक लगातार दिन में 2 बार सेवन करने से इस रोग में काफी हद तक आराम मिलेगा। जॉन्डिस या पीलिया होने की स्थिति में इमली के फूल और पत्तों को उबाल लें और इस उबले हुए पानी को दिन में 3 या 4 बार ठंडा करके पिएं। इससे पीलिया में काफी हद तक राहत होती है। अगर किसी को दस्त हो गया है तो ऐसी स्थिति में इमली के बीज को भूनकर पीस लें और फिर इस चूर्ण का 2-3 ग्राम दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। ऐसे में दस्त के रोगी को काफी हद तक आराम मिलेगा। पान, गुटखा या तंबाकू खाने वाले लोगों के दांत अक्सर काले हो जाया करते हैं या फिर ज्यादा आयरन युक्त पानी पीने से दांत पीले हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में इमली के बीज को पीस कर उसे दांतों पर सुबह शाम रगड़ें। ऐसा करने से दांत सफेद व चमकदार होते हैं। ऐसे ही इमली के अनेकानेक उपयोग और फायदे हैं, लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदायक हो सकती है। कच्ची इमली का उपयोग कम किया जाए क्योंकि इसकी तासीर काफी गर्म होती है और ये काफी भारी होती है। इसका अगर अधिक सेवन कर लिया जाए तो खांसी, बुखार और सांस की समस्या जैसे दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। तो इसी के साथ इमली के फायदों पर बना ये स्पेशल वीडियो यहीं समाप्त होता है।
तो दोस्तों इसी तरह के घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर आप हाइड्रोसिल का घर पे ही उपचार कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोसिल है क्या, तो मैं आपको बता दूं हाइड्रोसिल एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के अंडकोशों में पानी भर जाता है और सूजन आ जाती है। लेकिन जब भी ये किसी रोगी को होता है तो उसके एक तरफ के ही अंडकोश में पानी भरता है। इस रोग का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइड्रोसिल के क्या लक्षण हैं।